तो मेरी सेकंड मूवी है माय हीरो एकेडमिया की, जो मैंने पहली मूवी देखी थी माय हीरो एकेडमिया टू हीरोज जो देखी थी, काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा माय हीरो एकेडमिया राइजिंग हीरोज मूवी के बारे में, जो पहली वाली मूवी से कह सकता हूं कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इस मूवी के अंदर बस 10 मिनट इन्वेस्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपका इस मूवी के अंदर ऐसा कनेक्शन बनेगा कि आप एक भी सीन मिस नहीं करना चाहोगे। इसके अंदर जैसे भी आप बात करते हो माय हीरो एकेडमिया की, चाहे आप एपिसोड की बात कर लो या फिर इसकी मूवीज की बात कर लो, इसके अंदर एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है वो ये कि इसके अंदर सारे कैरेक्टर अल्टीमेट लेवल तक चले जाते हैं, चाहे भले इनका शरीर जो है उसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, इन्होंने एक बात जो ठान ली वो बस वो करनी है, उसको रोकना है और वो करके दिखाते हैं। खैर, जिन्होंने माय हीरो एकेडमिया की एनिमे सीरीज नहीं देखी है उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि एक ऐसा वर्ल्ड है जिनके अंदर 80% लोगों के पास कुछ ना कुछ पावर है, 20% जो लोग हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, और जिनके पास पावर है उनके अंदर कुछ हीरोज बनते हैं जो अपनी पावर का अच्छे वे में यूज करते हैं, और कुछ विलन बनते हैं जो अपनी पावर को लेकर मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं यानी जो अपनी पावर का अच्छा यूज करना चाहते हैं और वो अपना पावर का अच्छे से यूज करना वो सीखने के लिए जाते हैं यूए हाई स्कूल के अंदर। और जो ये बच्चे यूए हाई स्कूल के अंदर जाते हैं तो ये स्कूल जो है वो इन बच्चों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और इनको एक आइलैंड के ऊपर भेजता है, एक छोटा आइलैंड होता है उसके ऊपर भेजता है जहां पर विलन्स नहीं है, वहां पर वो लोगों की हेल्प कर सकें और जान सकें कि भैया लोगों की हेल्प करना कितना जरूरी है, जिनके पास पावर होती है तो अपनी जिम्मेदारियों को वो समझे। तो यहां पर जब जाते हैं यहां पर फिर क्या होता है कि भैया ऑब्वियसली यहां विलन तो आने ही है, तभी तो मूवी आगे बढ़नी है, और यहां पर विलन टपक जाते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल विलन होते हैं। अब इन विलन्स को रोकने के लिए ये जो बच्चे यहां पर आइलैंड होते हैं एकजुट होते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल है विलन, कोई ऐसे नहीं है कि टूचे मूचे यहां पर पहुंच गए। जो यूए हाई स्कूल के जो बच्चे हैं अब यही इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो आइलैंड के ऊपर रह रहे लोग हैं इनको जैसे तैसे इनको सेफ रखना है कि जब तक कि बाहर से हेल्प ना आ जाए। और अब यहां पर इस मूवी के अंदर जो विलन के ऊपर मुझे काफी पावरफुल जो करेक्टर लगे, एक तो बीस्ट नाम का एक करेक्टर यहां पर दिखाया जाता है, खैर उसका नाम अलग होता है, एरिक 9 नाम का करेक्टर होता है, दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है। 9 नाम का जो करेक्टर है वो एक तरीके से वो लीडर है, यहां पर 3 विलन आते हैं जो इस आइलैंड के ऊपर, 9 जो है वो उसके अंदर लीडर होता है, और 9 करेक्टर को रोकने के लिए जो 2 हीरो या 2 बच्चे सामने आते हैं, एक होता है डेकू और एक होता है बाकुगो। काफी टाइम से उम्मीद थी या फिर कहें कि इच्छा थी कि यार इन दोनों को मैं एक साथ देखना चाहता हूं कि जब ये दोनों हैं वो लड़ें एक साथ तो कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा होता है। बाकुगो जो करेक्टर है वो मुझे इसलिए काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि यार ये इंसान जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और इसको बस नंबर 1 हीरो बनना है, बस सामने वाले जो विलन है उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा, एक ही बात इसके मुंह से निकलती है, डाई डाई, बस इसको मार दूं इसको मार दूं। और जो डेकू नाम का जो करेक्टर है वो काफी ज्यादा हम्बल, एक तरीके से कह सकते हैं कि यार इस इंसान को दूसरों लड़ने से कोई मतलब नहीं है, मतलब लड़ता है काफी पूरी जान लगा देता है लेकिन ज्यादा ये प्रायोरिटी लोगों की जान बचाने में देता है, चाहे भले इसके लिए इसकी जान क्यों ना चली जाए या फिर अपनी पावर ही क्यों ना चली जाए, ये ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो अपने लोगों को बचा, मतलब कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको बचाने में लगाता है। और जब ये दोनों मिलकर 9 नाम के जो करेक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं और इनके बीच में जो फाइट होती है, सच कहूं यार आपकी सांसें रुक जाएंगी क्योंकि इस लेवल तक वो फाइट चली जाती है, एक पल लगेगा कि यार हाँ यार अब बस फाइट बंद होने वाली है, अब एक बंदा जो है या फिर कहीं विलन या हीरो हारने वाले हैं या जीतने वाले, ऐसी फीलिंग होने लगती है, तभी पता चलता है कि यार विलन के पास और ज्यादा पावर आ गई है, फिर वो अपनी पूरी पावर के साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करता है और फिर यहां पर इन दोनों को भी होता है कि यार अपनी लिमिट को और ज्यादा पुश करना पड़ेगा, अपनी लिमिट से और ज्यादा बाहर आना पड़ता है और ये आते भी हैं उसको रोकने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 10 मिनट के बाद मूवी के अंदर जो आपका कनेक्शन बनेगा, यार सच कहूं आप कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहोगे, जैसे बीस्ट जो फाइट होती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब सारे जो बच्चे हैं वो कुछ 4-5 बच्चे जिनके पास पावर है वो इनके ऊपर अटैक करते हैं, इस विलन के ऊपर जब वो अटैक करते हैं तो ये जो विलन है जैसे ऐसा लगेगा यार ये सब इन बच्चों के साथ खेल रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना पावरफुल है यहां पर, बट इसको रोकने के लिए जैसे टोडू को मैंने शायद नाम उसका सही से लिया, वो कैसे अपनी पूरी जान लगा देता है, कैसे अपनी पूरी पावर लगा देता है, वो देखने वाली चीज होती है। ऐसा मतलब कि केवल डेकू और बाकुगो ही नहीं है जिन्होंने अपनी अपनी लिमिट से बाहर आकर 9 कैरेक्टर को रोकने की कोशिश की, नहीं इस टोडू को या फिर इसके जो बाकी के जो दोस्त हैं उन्होंने भी पूरी जान लगाई है, या फिर कहीं जितने भी एनिमे कैरेक्टर हैं इसके इस मूवी के अंदर उन्होंने विलन्स को रोकने के लिए पूरी जान लगाई है, जैसा आप इस मूवी में देखोगे आपको पता चलेगा। और मैं काफी टाइम से ऐसा चाह रहा था कि बाकुगो जो कैरेक्टर है इसके ऊपर फोकस किया जाए, एटलीस्ट इस मूवी के अंदर वैसा देखने को मिलता है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5/10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी ये। अगर आप लोगों को मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, इंग्लिश और जैपनीज दोनों लैंग्वेज मिलेगी, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, तो जाकर आप इन दोनों लैंग्वेज में जो भी आपको अच्छी लगे वो जाकर देख सकते हो। तो
बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।